हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रजम एनिमेशन। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन को कवर करूंगा 3D में। 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन जो है ये फ्रैंक थॉम्सन और ओली जॉनसन ने 1981 की अपनी बुक के अंदर द इल्यूजन ऑफ लाइफ ऑफ डिज्नी एनिमेशन में कवर किए थे। 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन 1930s में जो एनिमेटर काम करते थे उन प्रिंसिपल की बेस के ऊपर काम करते थे, तो ये प्रिंसिपल जो है हमें काफ़ी हेल्प करते हैं एनिमेशन करने में। तो मैंने सोचा है कि मैं इनको कवर करूंगा 3D के अंदर, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे प्रिंसिपल्स को। तो मैं फर्स्ट अपने पास जो कवर कर रहा हूँ स्कॉश एंड स्ट्रेच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉश एंड स्ट्रेच जो है वो ऑब्जेक्ट या करेक्टर को सॉफ्ट करने के लिए ऐड किया जाता है। बाउंसिंग बॉल के अंदर जब ये ऊपर से लेके नीचे आई है तो मैंने इसके अंदर स्ट्रेच डाला है, और जब ये ज़मीन पर आई तो मैंने इसके अंदर स्कॉच डाला है, और उसके बाद इसको मैंने सेटल करा दिया है। तो आप ये इमेज से आप देख सकते हैं कि मैंने किस जगह पर स्कॉच एंड स्ट्रेच डाला है। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है कि अगर आप स्कॉच एंड स्ट्रेच को थोड़ा कम कर देंगे तो कैसी फील आएगी, बॉल थोड़ी कम सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें सेटल मूवमेंट आ जाएंगी। और ये इसकी थर्ड एग्जांपल है, स्कॉच एंड स्ट्रेच को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, लाइक अ हार्ड आयरन बॉल। ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने है कि कितनी क्वान्टिटी का स्कॉच एंड स्ट्रेच जो है वो कैसी फील डालते हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम बॉक्स के अंदर जो है स्कॉच एंड स्ट्रेच ऐड करते हैं तो बॉक्स जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर जो है वो आइज भी मौजूद है, तो मैंने इस बॉक्स को स्कॉच एंड स्ट्रेच का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और ये इसी बॉक्स की दूसरी एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने जो है वो लेसर स्कॉच एंड स्ट्रेच यूज़ किया है, तो इससे जो है वो बॉक्स आपका हार्ड हो गया और इसमें हार्ड ऑब्जेक्ट की फील आ चुकी है। और ये आप इसका कंपैरिजन भी चेक कर सकते हैं स्कॉच एंड स्ट्रेच और विदाउट स्कॉच एंड स्ट्रेच के साथ। ये हेड की एग्जांपल है कि अगर हम हेड के अंदर जो है वो स्कॉच एंड स्ट्रेच ऐड करते हैं स्माइल से, इसको मैंने वरीड एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो शिफ्ट किया है, तो उसके अंदर स्कॉच एंड स्ट्रेच ऐड कर दिया जाए फैक्टर, इससे जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके बराबर में आप सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम स्कॉच एंड स्ट्रेच को रिमूव कर देते हैं तो कैसे ये हमारा करेक्टर जो है वो फ्लैट हो जाता है। और ये हमारी लास्ट एग्जांपल है कि बॉडी के अंदर भी जो है स्कॉच एंड स्ट्रेच ऐड किया जाता है ख़ास तौर पे बॉडी मैकेनिक करते हुए। तो हमने इसको जो है ना वो जंप करवाई है ऊपर से लेके ये लैंड किया है ज़मीन के ऊपर, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो हम इसके अंदर स्ट्रेच ऐड करेंगे, और जब ये ज़मीन के पे आ चुका होगा तो हम इसके अंदर स्कॉच ऐड करने के बाद इसको हम सेटल कराएंगे। तो स्कॉच एंड स्ट्रेच का लेसन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।